इसी से निकालो। एकदम जबरदस्त है, टेस्ट भी काफी अच्छा है, और ऐसे सर्दी का मौसम हो तो इसको खाने का मजा ही कुछ और है। फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं मटन कढ़ाई बनाने के लिए। हम यहाँ पर मटन ले रहे हैं, धोकर इसको साफ़ करके ले लिए हैं। 3 केजी बना रहे हैं फर्स्ट टाइम। हम ऐसे तो मटन 2 केजी बनाए हैं, 1.5 केजी बनाए हैं, लेकिन 3 केजी आज पहली बार बना रहे हैं, तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, और लेकिन बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा बना था। तो मैं रेसिपी देती हूँ आपको भी, अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप भी बना सकते हैं। इस तरीके से एक कढ़ाई गरम कर लेना, उसमें तेल, सरसों तेल ऐड करना, उसको अच्छे से गरम कर लेना। यहाँ पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची इस तरीके से ली हूँ। आप चाहें तो पेस्ट बना लें या फिर दरदरा सा चॉप कर लें। यहाँ पर प्याज हम लिए हैं, 6 प्याज को इस तरीके से कट कर लिए हैं और इस तरीके से डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। बस कलर चेंज होने के बाद इस तरीके से हमें मटन ऐड कर देना है। ज़्यादा प्याज को लाल नहीं करना है, फ्राई नहीं करना है। सभी मटन को डालकर इसको मिक्स कर लेना है, 5 मिनट तक इसको भून लेना है। फिर यहाँ पर हम चॉप कर लिए हैं हरी मिर्ची और अदरक लहसुन। अदरक लहसुन एक एक मुट्ठी ले लेना है, या फिर आप अपने अंदाज से ले लीजिएगा 1/2 कप। और हरी मिर्ची हम यहाँ पर 10 यूज़ किए हैं, आप चाहें तो और ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 3 केजी के लिए 10 हरी मिर्ची काफ़ी है। ये परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हम बताएंगे, और आप चाहें तो उससे कम अगर बनाते हैं तो 1/2 कर लीजिएगा जितना मसाला हम डाल रहे हैं। यहाँ पर टमाटर मस्ट है, मतलब कढ़ाई चिकन बनाओ या फिर कढ़ाई मटन बनाओ, यहाँ पर टमाटर डालना है। तो हम बड़ा बड़ा टमाटर लिए हैं, 4 डाले हैं। आपके पास अगर छोटा रहेगा टमाटर तो आप इसमें यहाँ पर 6 भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा 2 ग्लास हम पानी डाल दिए हैं, आप चाहें तो 1 ग्लास भी पानी डाल सकते हैं, ये मटन से काफ़ी पानी छूटता है। और यहाँ पर नमक हम भूल गए थे तो अभी डाल देते हैं। 3 चम्मच यहाँ पर नमक यूज़ की हूँ 3 केजी मटन के लिए। परफेक्ट मतलब परफेक्ट नमक था, मतलब और ना डालना पड़ा, ना और कम ना हुआ, ना फीका लगा, ना कड़ा लगा, बस परफेक्ट नमक है। और यहाँ पर हम ये कढ़ाई से कुकर में डाल रहे हैं, जल्दी होगा इस वजह से, तो कुकर में मटन गलना इजी हो जाता है। आप चाहें तो कढ़ाई में रख सकते हैं, लेकिन मटन गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इस तरीके से हार्ड है। तो हम यहाँ पर 2 से 3 सीटी लगा देंगे। 2 कुकर में ले रही हूँ 3 केजी, 1 कुकर में नहीं हो रहा है, इसी वजह से हम 2 कुकर में लिए हैं। तो दोनों कुकर में डालकर 3 सीटी लगा देते हैं, फिर बताती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं हम 3 सीटी लगा दिए हैं, मटन चेक करते हैं, ये देख सकते हैं मटन इस तरीके से गल चुका है। थोड़ा थोड़ा सा हार्ड रहेगा, लेकिन इसका पानी सुखाने तक ये बहुत ही सॉफ्ट बन जाता है। थोड़ा सा मतलब इसका पानी सुखा लूँगी, उसके बाद बताऊँगी फिर क्या करना है। ये यहाँ पर हम मसाला लिए हैं, लाल मिर्ची पाउडर, यहाँ पर धनिया पाउडर और गरम मसाला, जीरा पाउडर और काली मिर्ची पाउडर, सब 1 टी स्पून है। डालकर मिक्स कर लीजिएगा ये सभी मसाले को। फिर यहाँ पर 2 चम्मच के अंदाज से कसूरी मेथी डाल रही हूँ, उसको भी मिक्स कर लेना है। बस इसका पानी सुखाना है। यहाँ पर दही 1 कप डाल रही हूँ, उसको भी मिक्स कर लेना है। यहाँ पर पानी इसका सुखा लेना है। हम थोड़ा सा यहाँ पर तेल गरम किए और
मटन के पीसेस को, हाफ मटन के पीसेस को इस तरीके से 5 मिनट तक लाल कर लिए हैं, मतलब भून लिए हैं। फिर दोबारा से कढ़ाई में डाल दिए हैं, देख सकते हैं। फिर इसको मिक्स कर लेना है और पानी सूखने के बाद अपना ग्रेवी आपको जितना चाहिए उतना बनाने के बाद इस पर 1 कप के अंदाज से फ्रेश क्रीम डाल दीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, फ्रेश क्रीम डालने से बहुत ही मज़ा, इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। आप ज़रूर से लास्ट को फ्रेश क्रीम डालिएगा और अपने मेहमानों को सर्व कीजिएगा, उंगली चाटते ही रह जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार 20 से 25 लोग का आपके घर में भी अगर दावत हो तो मेहमानों को खिला सकते हैं। हमारे घर पे मेहमान आए हुए थे, हम बनाए थे, सभी को बहुत पसंद आया, आपको भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आया। मेहमानों को बनाइए, खिलाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, इंजॉय कीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए। दोस्तों ये मटन कढ़ाई है गर्मा गर्म, मटन कढ़ाई तैयार है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आज घर में कुछ मेहमान आए हैं इसलिए मटन कढ़ाई बना हुआ है। आइए टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसा लगता है। काफी है इसलिए मैंने उसको अलग से निकाल रखा है, तो देखते हैं कैसा लगता है कि काफी सॉफ्ट है, एकदम जबरदस्त है, टेस्ट भी काफी अच्छा है। और ऐसा सर्दी का मौसम हो तो इसको खाने का मजा ही कुछ और है। सच में चिल्ला दो अभी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अरे पीस लो, खाने से तो जी चाहते कि बहुत खा ले आदमी, लेकिन तोड़ के दिखाओ। बाद में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। और बाकी यहाँ वाला हमेशा